नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम आशीष कुमार मिश्रा है। आज के इस वीडियो सेशन में मैं बताने जा रहा हूँ लॉजिकल ऑपरेटर, जो हमारे पिछले वीडियो लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, अरिथमेटिक ऑपरेटर एंड रिलेशनल ऑपरेटर। तो ऑपरेटर को ही मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। तो आज का मेरा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा लॉजिकल ऑपरेटर, और ये तीसरा ऑपरेटर है लॉजिकल ऑपरेटर। ठीक है, इसके अंदर तीन ऑपरेटर होते हैं, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नॉट। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल एंड। इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल और। एंड इसको क्या बोलते हैं? लॉजिकल नॉट। अब ये थ्री टाइप्स के ऑपरेटर होते हैं, और इनकी वर्किंग कैसे होती है मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम लॉजिकल एंड की वर्किंग देख लेते हैं। तो लॉजिकल एंड की वर्किंग जो होगी, आप ऐसे समझ सकते हैं, लाइक एक हम चार्ट बना रहे हैं, ए बी एंड आउटपुट। इसमें देखिए, जैसे आपका गेट वर्क करता है, तो ये लॉजिकल एंड है। तो इसमें जीरो को हम क्या मान रहे हैं? फॉल्स। और वन को क्या मान रहे हैं? ट्रू। तो जीरो और जीरो, तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो। मीन्स जब दो कंडीशन फॉल्स होंगी तो आउटपुट क्या आएगा? जीरो, मीन्स फॉल्स, देन जीरो वन। एक फॉल्स है, एक ट्रू है, फिर भी फॉल्स आएगा। वन एंड जीरो, मीन्स वन ट्रू है, वन फॉल्स है, तो भी फॉल्स आएगा। इसमें वन एंड वन, जब दोनों ट्रू होंगे तब रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। मीन्स आप ये बोल सकते हो, यहाँ हम इंटू कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटू, मीन्स वन इंटू वन, वन। तो इसमें आप लॉजिकल एंड की डेफिनेशन लिख सकते हैं, इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट इज ट्रू। इफ बोथ कंडीशन आर ट्रू देन रिजल्ट आर ट्रू, अदरवाइज रिजल्ट इज फॉल्स। मीन्स जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या होगा? ट्रू होगा। अगर मान लीजिए कोई भी एक कंडीशन ट्रू है, एक फॉल्स है, तो भी फॉल्स आएगा। एक फॉल्स एक ट्रू है तो भी फॉल्स आएगा, और दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स आएगा। तो ये लॉजिकल एंड की वर्किंग है। अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं लॉजिकल और। तो लॉजिकल और की वर्किंग समझते हैं। तो सिंपली आपको यहाँ सिंबल चेंज कर देना है लॉजिकल और यहाँ जो दो कंडीशन फॉल्स हुई हैं, अगर इसमें क्या है लॉजिकल और में, अगर कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू आएगा। जैसे देख लीजिए, यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। यहाँ एक फॉल्स है एक ट्रू है तो ट्रू, यहाँ एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू, यहाँ दोनों ट्रू है तो ट्रू। मीन यहाँ बोल सकते हो यहाँ ऐड हो रहा, क्या हो रहा है? ऐड। मीन्स अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? ट्रू। इसमें आप जब डेफिनेशन बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स, इफ बोथ कंडीशन आर फॉल्स देन रिजल्ट आर फॉल्स, देन रिजल्ट आर फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट इज ट्रू। तो ये आपको लॉजिकल और की डेफिनेशन बतानी है। तो इसकी डेफिनेशन सिंपली आप क्या बताओगे कि अगर कोई भी एक कंडीशन, इसमें टोटल अपोजिट है, जैसे इसमें जब दोनों कंडीशन फॉल्स होंगी तब रिजल्ट क्या आएगा? फॉल्स, अदरवाइज रिजल्ट क्या आएगा? ट्रू। देख लीजिए, यहाँ दोनों कंडीशन फॉल्स है तो रिजल्ट क्या आ रहा है? फॉल्स। यहाँ एक फॉल्स है एक ट्रू है तो भी ट्रू आ रहा है, एक ट्रू है एक फॉल्स है तो भी ट्रू आ रहा है, और एक दोनों ट्रू हैं तो ट्रू आ रहा। तो कुल मिला के ये था डेफिनेशन ऑफ लॉजिकल और। इस सिंबल को क्या बोलते हैं? लॉजिकल और। अब नेक्स्ट है लॉजिकल नॉट। तो लॉजिकल नॉट इन दोनों से टोटली अपोजिट है। तो उसकी वर्किंग कैसे होगी आप देख लीजिए। लॉजिकल नॉट, अगर आपकी कंडीशन फॉल्स है तो क्या कर देगा? ट्रू, और ट्रू है तो क्या कर देगा? फॉल्स। आप ऐसे समझ सकते हो इसकी वर्किंग, ये इनपुट हो गया और ये आउटपुट हो गया। तो सिंपल सी बात है, जीरो को हम क्या मानते हैं? फॉल्स, वन को ट्रू। मीन्स ये फॉल्स है तो इधर ट्रू आ गया, ये ट्रू है तो इधर
फॉल्स आ गया, मीन्स टोटली अपोजिट करेगा, ये नॉट का सिंबल है, नॉट नहीं बोलेंगे, लॉजिकल नॉट बोलेंगे, ठीक है। तो इन तीनों की वर्किंग अब प्रोग्रामिंग में कैसे होगी वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, तो आपको सिक्वेंशली देखना है। तो देख लीजिए तीनों ऑपरेटर्स की वर्किंग, तो मैं एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, हम चाहें तो एक साथ में भी तीनों के प्रोग्राम बना सकते हैं। तो मैं अभी लॉजिकल एंड की वर्किंग आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ सिंपली आप हेडर फाइल लगाओगे हैच इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, देन इंट मेन, उसके बाद आप सिंपली एक वेरिएबल भी ले लोगे तो काम हो जाएगा। अब देखिए कैसे, यहाँ मैं एक वेरिएबल ले रहा हूँ इंट ए, ठीक है। अब आप सिंपली यहाँ ए में क्या परफॉर्म कर दोगे, आप कोई भी डिजिट ले सकते हो, जैसे मैं ले रहा हूँ 2 less than 3, और यहाँ लॉजिकल एंड का सिंबल लगाएंगे 3 less than 4। आप देखिए 2 छोटा है 3 से, यस कंडीशन ट्रू है, 3 छोटा है 4 से, कंडीशन ट्रू है, दोनों कंडीशन ट्रू है, तो ये दोनों असाइन हो जाएंगे ए में। तो यहाँ हम प्रिंट करा सकते हैं प्रिंट एफ परसेंट डी ए। तो ध्यान देना आपको लॉजिकल एंड लगा है, ये सिंबल किसका है, लॉजिकल एंड का, और लॉजिकल एंड क्या वर्क करते, कैसे वर्क करेगा, जब दोनों कंडीशन ट्रू होंगी तो रिजल्ट क्या आएगा, ट्रू, मीन्स यहाँ क्या रिप्लाई करेगा, कंडीशन ट्रू होगी तो 1, क्या आएगा 1, अगर कंडीशन फाल्स होती तो यहाँ 1 की जगह क्या आता, 0, क्योंकि 0 को हम फाल्स मानते हैं, ठीक है। अब उसके बाद इसी के नीचे मैं कर रहा हूँ लॉजिकल और का प्रोग्राम। तो देखिए ए इक्वल टू 2 less than 3 लॉजिकल, और 3 less than 2। अब देखिए 2 छोटा है 3 से, यस बिल्कुल छोटा है, मीन्स 1 होगा, ट्रू होगा। 3 छोटा है 2 से, कंडीशन है फॉल्स, लेकिन लॉजिकल एंड की वर्किंग अभी हम पिछले उसमें टेबल चार्ट में दिखाए थे कि अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट क्या देगा, ट्रू। और ये भी ध्यान रखना कि अगर उसको शुरू में ट्रू मिल गया तो आगे चेक नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन ट्रू है तो ट्री दे देगा, ठीक है। तो ये चीज़ कहाँ साइन हो जाएगी, ए में, तो उसी को हम नीचे प्रिंट कर देंगे प्रिंट एफ, यहाँ हम नीचे प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ परसेंट डी ए। तो यहाँ जो आउटपुट आएगा यहाँ भी 1 आएगा, क्योंकि यहाँ ये कंडीशन ट्रू है लेकिन ये फॉल्स है, ठीक है। तो एक भी ट्रू है तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, ट्रू, मीन्स 1 आएगा। उसके बाद लॉजिकल नॉट का भी आप प्रोग्राम इसी में देख सकते हैं, जैसे कि ए इक्वल टू 3 greater than 5, यहाँ ये हम लॉजिकल नॉट का सिंबल लगा दिए, ठीक है। तो 3 बड़ा है 5 से, कंडीशन क्या है, फॉल्स है, लेकिन लॉजिकल नॉट लगा तो ये बन जाएगा ट्रू, मीन्स यहाँ जब हम प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ परसेंट डी ए, तो यहाँ भी ये क्या देगा आउटपुट, 1, क्योंकि कंडीशन भले फाल्स है लेकिन नॉट का सिंबल है तो फाल्स को क्या कर देगा, ट्रू कर देगा, ठीक है। उसके बाद आपको जस्ट नीचे लिखना है गेट सी एच देन रिटर्न 0। तो रिटर्न 0 हम क्यों लगाएं, क्योंकि मेन फंक्शन को हम इंट बनाए हैं तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करवाना है, ठीक है। तो ये था टोटल लॉजिकल ऑपरेटर, ठीक है। और आपको और डिटेल में चाहिए तो मैं आगे एडवांस लेवल कोडिंग में और भी जो गेट लेवल नेट लेवल के एग्जाम्स हैं उनके लिए भी तैयार करूँगा। तो अभी ये बेसिक लेवल की थी जानकारी, आगे मैं ऑपरेटर कंटिन्यू करूँगा, कंडीशनल ऑपरेटर। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, हैव अ नाइस डे। आपको दिखाया गया था वर्किंग, तो सबसे पहले हम यहाँ हेडर फाइल लगाएंगे हैश इंक्लूड stdio.h, देन हैश इंक्लूड conio.h, conio.h ऑप्शनल है, अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, हम लगा दे रहे हैं। फिर आप इंट मेन मेन फंक्शन लगाएंगे, उसके बाद आप सिंपल सा वेरिएबल ले लेंगे जो आप लॉजिकल में, जैसे कि हम थ्योरेटिकल लेक्चर में ये ए नाम का वेरिएबल लिए थे, और उसके अंदर हम आप कुछ भी यहाँ वैल्यू दे सकते हैं। सपोज हम दे रहे हैं 2 less than 3, फिर लॉजिकल एंड 3 less than
तो यहाँ कंडीशन क्या थी, ट्रू थी, तो यहाँ प्रिंट करा देंगे प्रिंट टैप परसेंट डी, यहाँ न्यू लाइन में आपको चाहिए तो स्लैश एल लगा देंगे, फिर डबल कोट क्लोज एंड कॉलम कॉमा, उसके बाद ये सारी वैल्यू जो असाइन हो रही है ए में असाइन हो रही, तो यहाँ ए को प्रिंट करा देंगे सिंपली। देन अगर हम चाहें तो इसमें रन करा के देख सकते हैं, गेट सी एच एंड रिटर्न जीरो। देखिए जब हम इसको रन कराएंगे तो आउटपुट क्या आएगा, लॉजिकल डॉट सी नाम से हम सेव कर रहे हैं, कंपाइल करेंगे नो एरर एंड रन करेंगे, ये देखिए वन आ गया क्योंकि कंडीशन ट्रू है। ठीक है, अब हम इसी में चाहे तो लॉजिकल और भी परफॉर्म कर सकते हैं। सिंपली आप देखिए ए इक्वल टू, यहाँ हम पुनः नया वेरिएबल ले ले रहे हैं, भाई नई वैल्यू टू लेस देन थ्री, और यहाँ लॉजिकल और लगा देंगे, लॉजिकल और सिंपली आप ये सिंबल लगाओगे, ये लॉजिकल और का सिंबल है, ये बैक स्लैश के ऊपर वाला सिंबल है, इसके बाद आप जो हम वैल्यू दिए थे वही दे रहे हैं थ्री लेस देन टू। तो यहाँ देखिए ये कंडीशन टू लेस देन थ्री, ये कंडीशन तो ट्रू है लेकिन थ्री लेस देन टू ये कंडीशन फाल्स है, लेकिन ये लॉजिकल और लगा है तो कंडीशन क्या देगा, आउटपुट आपको ट्रू ही देगा, क्योंकि पहले ही उसको ट्रू मिल गई तो आगे वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि इसमें एक भी कंडीशन ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू आ जाता है। तो सिंपली यहाँ प्रिंट करा देंगे प्रिंट एफ, यहाँ भी लिख देंगे परसेंट डी स्लैश एन एंड ए। तो आप इसके बाद इसका भी आउटपुट एक बार चेक कर ले रहे हैं, कंपाइल करेंगे नो एरर एंड रन करेंगे, तो ये देखिए वन 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 आ गया। अब वन 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 क्यों आया, ये पुराना आउटपुट है, ये ऊपर वाला जो था वो पुराना आउटपुट था, नीचे दो नए आउटपुट हैं। तो अगर हम चाहें कि हमको एकदम सब नया मिले तो यहाँ हम सी एल आर एस सी आर फंक्शन लगा देंगे, मतलब वो जो पुराना आउटपुट है उसको रिमूव कर देगा, स्क्रीन को क्लियर कर देगा। तो आप सिंपली सेव करके रन करते हैं जब, तो आप देखिए आपको टोटली जो आउटपुट दिखेगा वो दो बार वन दिख रहा है, ठीक है, क्योंकि दोनों कंडीशन ट्रू हैं। आप देखिए हम नॉट का प्रोग्राम बनाते हैं, तो नॉट के प्रोग्राम आपको कैसे आउटपुट देंगे, लॉजिकल नॉट यहाँ लिख दे रहे हैं ए इक्वल टू, यहाँ नॉट का सिंबल लगा देंगे नॉट, देन उसके बाद थ्री ग्रेटर देन फाइव। अब देखिए तीन बड़ा है पांच से नहीं, कंडीशन टोटली क्या है फॉल्स, लेकिन जैसे ही हम नॉट लगा देंगे कंडीशन क्या कर देगा ट्रू। तो यहाँ लिखेंगे प्रिंट एफ परसेंट डी ए। तो अब देखिए यहाँ आउटपुट क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, कंडीशन क्या है फाल्स है लेकिन नॉट लगा तो ट्रू कर देगा। तो सिंपली कंपाइल करेंगे नो एरर रन करेंगे, तो ये देख लीजिए तीनों में वन 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 आ गया। ठीक है, तो तीनों में वन इसलिए आया क्योंकि लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू थी, लॉजिकल एंड में दोनों कंडीशन ट्रू थी, इसमें एक कंडीशन ट्रू थी तो वन आ गया, इसमें कंडीशन फाल्स थी लेकिन नॉट लगा तो फाल्स को ट्रू कर देगा। ठीक है, तो ये था टोटल लॉजिकल ऑपरेटर का प्रोग्राम। हाँ, अब अगर आपको कहीं डाउट है तो अगर देख लीजिए इसको अगर हम ऐसे कर दें ग्रेटर देन की जगह लेस देन, अब क्या आएगा, नॉट में कंडीशन ट्रू है लेकिन नॉट लगा है तो फाल्स कर देगा, मीन्स अब जीरो आएगा। अब देख आप लीजिए रन करके देख लीजिए, कंपाइल करेंगे नो एरर एंड रन करेंगे, तो देखिए वन वन जीरो आ गया। तो ऐसी वर्किंग ये करेगा। अब आपको और भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, उसके बाद हम और इम्प्रूव करेंगे। अगर आपको हायर लेवल का मीन्स आपको अगर गेट की तैयारी कर रहे हैं या नेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बनाने का प्रयास करूंगा। तो आज के इस वीडियो सेशन में इतना ही, धन्यवाद।